लॉग बुक की भाई 3 दिन हो गए मेरे दिमाग। इस कैमरे से लेके उस कैमरे तक आपको जब से ऑस्ट्रेलिया आए हुए ना भाई, इसको दबा के रखा हुआ था। ये देखो, सो यू आर गेटिंग इन किलोमीटर्स। या या, तो इतना मेरे को मालूम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक रेट फिक्स किया होता है। जैसे हाँ हाँ, इस तरफ करो, थोड़ा लेफ्ट में, राइट राइट, नीचे, हाँ बस सही है। अपना एक सैटेलाइट छोड़ा था सुबह सुबह, हमने पहुंच गया चंद्रमा के ऊपर, उसको बस पार्किंग करवा रहा था सही तरीके से। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए भाई। घर से निकले खा के गोभी के साथ में परौंठियाँ, पीछे से पिए गुड़ वाली चाय। और हाँ, मैंने अपना सैटेलाइट जो छोड़ा है वो ठीक ठाक पहुंच गया, उसकी फोटोज आपके साथ में शेयर की जाएगी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, और कौन सी कंट्री में कैसे रूल होते हैं उसके बारे में बात करने के लिए हमने एक बंदा स्पेशल हायर किया है। एक हिसाब से उसको 4 दिन से फॉलो अप कर रहे हैं कि वो बंदा आगे से रोड ट्रेन लेके आ रहा है। जो मेन प्रॉब्लम्स रहती है वो रहती है कि आपके लोड की लेंथ कितनी है और आप कौन सी प्रोविंस में घूम रहे हो, ये बड़े मसले। ये थोड़ा कम ही बोलता है, मेरे को मालूम है। आप लोगों ने कमेंट किए थे कि आपका दोस्त क्यों नहीं बोलता। ये थोड़ा शाही है, इसने कैमरा कभी फेस नहीं किया, लेकिन पहले इतना शाही नहीं था क्लास में, अभी मालूम नहीं क्या हो गया अभी। उस बात को भी 19 साल हो गए ना, मिले भी 19 साल के बाद में कैमरा एकदम से आगे कर दिया जाए किसी के, तो बिल्कुल होता है शाही, शाही हो जाता है बंदा। यार वीरे, कैसे हो? वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया भाई। ओ भाई, गुस्सा ले गया भाई। अपना टाइम निकाल के काफी माहिर है ड्रोन ड्रोन का लगता है, काफी अच्छी सजेस्ट की है भाई ने चीजें, वो रास्ते में काम आएंगी। नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं। ये भाई बोलता कि मैं तब से देखता हूँ जब मैं इंडिया में था, इंडिया से देख के फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। मैंने बाद में सोचा यार मैं तो कनाडा आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया क्यों आया? यहाँ पे जिसका लिखा हुआ है खाना वाना वहाँ भी आना होता है बंदे ने यार। कैमरामैन फोकस। आज हम रोड ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे भाई, रोड ट्रेन क्या होती है। जैसे हम वहाँ पे 2 ट्रेलर चलाते ना, वो होते हैं 53 फुट 2 ट्रेलर, उसको हम वहाँ पे डबल ट्रेलर या पाइक बोलते हैं या फिर टर्न पाइक बोलते हैं। यहाँ पे रोड ट्रेन क्या होती है, ये जो ट्रेलर खड़ा है ना, इसके नीचे डॉली नहीं डाली हुई, इसको बोलते हैं यहाँ पे बी डबल। आगे वाला 22 फिट हो गया, पीछे वाला 42 या 43 होता है। इनमें इसकी ये टर्न टेबल है, ये यहाँ पे फिक्स रहता है और ये सेपरेट नहीं होता, इसको बोलते हैं बी डबल। पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो लीगल नॉर्मल हाइट है वो 26 मीटर है, यहाँ पे मीटर्स में बोलते हैं 85 फीट के करीब में। अगर लेंथ लंबी होगी तो उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं, परमिट वगैरह या परमिशन वगैरह होती हैं इनकी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे इतना लंबा ट्रेलर है नॉर्मल, तो वहाँ पे लॉन्ग व्हीकल का साइन लगेगा बी डबल के साथ में। ये वाला हो गया, इसके आगे वाला हो गया। मेरे मगर आप एक चीज़ देख रहे हो, इसको यहाँ पे बोलते हैं रोड ट्रेन। रोड ट्रेन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी लंबी नहीं है। जैसे हमारे पास वहाँ पे होते हैं 53 फिट, उसके बीच में कन्वर्टर होता है, ठीक है, इसके बीच में भी कन्वर्टर है, इसको यहाँ पे डॉली बोलते हैं। लेकिन इसकी जो लेंथ है 30-32 फुट या 35 फुट एक ट्रेलर की होगी, इसको टिपर ट्रक बोलते हैं। इसको यहाँ पे रोड ट्रेन बोला जाएगा, इसके रोड ट्रेन के साइन लगे हुए, ये देखो। उसका सिर्फ एक ही कारण है, रोड ट्रेन ये तभी बनती है इसके नीचे डॉली लग जाती है। जैसे ये बी डबल है, अगर इसके पीछे एक और बी डबल डाल देंगे तो वो बन जाएगी रोड ट्रेन और उसके ऊपर रोड ट्रेन के साइन लगेंगे। कनाडा की तरह ज्यादा लीनियर काम नहीं है, वहाँ पे थोड़ा काम नहीं, यहाँ पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये बड़ी डिफरेंट चीज है। और पीछे भी 3 एक्सल है, यहाँ पे 3 एक्सलों के ऊपर 22.5 टन वेट होता है। कनाडा में अभी 3 एक्सलों के ऊपर 24 टन तक वेट छोड़ देते हैं, पहले 23 था। ये कन्वर्टर है इनका लॉन्ग व्हीकल, इसके पीछे भी लिखा हुआ है कि जो ये मुंडी है ये हमारी मुंडी से थोड़ी लंबी है, इसको बोलते हैं डॉली। अगर ट्रेलर के नीचे डॉली लग गई तो फिर रोड ट्रेन का साइन लगेगा। इनका मैक्सिमम ट्रेलर जो लंबा होता है ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 43 फुट एक ट्रेलर है, मीन्स की मैक्सिमम एक ट्रेलर इतना लंबा हो जाता है। फिर इसको इसके पीछे एक और डालेंगे डॉली कन्वर्टर डाल के ऐसे वाला, तो वो बन जाएगी रोड ट्रेन। फिर उसके पीछे एक और कन्वर्टर डालिया, वो बन जाएगी ट्रिपल रोड ट्रेन। ये जो बेल्टें खोड़ के इसके अंदर पैडल रखे होते हैं, नीचे एक लाइन होगी, सेंटर में एक लाइन होगी, ऐसे लाइनें होंगी, बीच में स्टैक लगा होगा, और ये वाला साइन आपको हर जगह में देखने के लिए मिल जाएगा। विदाउट ट्रक्स ऑस्ट्रेलिया स्टॉप्स, मैं कहता हूँ कि विदाउट ट्रक्स वर्ल्ड स्टॉप, ट्रकों के बगैर दुनिया पॉसिबल नहीं है, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। ये है लेके बी डबल, ये देखो, ये बी डबल भी बैक हो रहा है, देखो यहाँ पे बहुत आसानी से बैक।
बैक कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे इनका रोज का ही काम है BW को बैक करना, क्योंकि अगर कन्वर्टर डॉली होती ना पीछे तो वो उसकी कटाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर डॉली नहीं है तो फिर कटाई करनी थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे हमारा बी ट्रेन है ना, जैसे मैं बी ट्रेन के ट्रिप लेके गया था, ऐसे स्पीड देखो इनकी बैक करने की, मानते हो? अगर कन्वर्टर डॉली होती है उसकी कटाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, जो काम आप रोज करते हो उसका बड़ा फायदा हो जाता है। लॉग बुक की भाई 3 दिन हो गए, मेरे दिमाग में कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा कि लॉग बुक के आवर हर एक चीज में रूल है। मजेदार बात, आप सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा लॉग बुक के बारे में भी, यहाँ पे रात को 10 से लेके सुबह 5 तक एक आध आवर इधर उधर जाए वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आप मेरा मुद्दा समझना, रात के आवर को अलग से काउंट करते हैं, दिन के आवर को अलग। एक हफ्ते में रात को ट्रक ज्यादा चलाया है तो आपको ज्यादा ब्रेकें लेनी पड़ेंगी। मीन्स की मैं इस चीज से बड़ा हैरान और खुश भी हूँ कि ड्राइवर का इतना ख्याल रखते हैं यार, नॉर्मल बंदे का तो मेरे को मालूम नहीं। यहाँ पे ना हर एक दूसरे बंदे ने BFM का कोर्स किया होता है जो लंबे रूट के ऊपर चलते हैं। ये एक लॉग बुक है, नेशनल ड्राइवर वर्क डायरी, ये सिर्फ उनके डिपार्टमेंट से मिलती है जो इनका ट्रांसपोर्टेशन वाला, जहां से भी मिलती होगी, ये आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ना हर एक पेज के ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है, ये देखो सीरियल नंबर आ रहा है ना ये वाला SBM सीरियल नंबर नेशनल ड्राइवर वर्क डेली शीट, ऐसे लॉग बुक होती है इनकी ऑस्ट्रेलियन ट्रक ड्राइवर की जो पेपर लॉग के ऊपर काम करते हैं। इसके सीरियल नंबर के कारण आप एक भी पेज आपका इधर उधर नहीं हो सकता, ऐसे ही आपकी बुक की बुक आएगी, एक ड्राइवर को दे दी जाएगी, जब बुक भर जाएगी उसके बाद में उसको न्यू बुक मिलेगी और पुराने वाली बुक को 28 दिन अपने साथ रखेगा। बड़ा मतलब की ऑफों का चक्कर है, उसका डर सबसे ज्यादा पता क्यों है, वो एक कैमरे लगे हुए हैं, मैं आपको रोड के ऊपर दिखाऊंगा, वो कैमरों की वजह से ये सारे फंडे किए हुए हैं। यहाँ पे ना सारे रूल्स लिखे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना जूम वूम करके। ये देखो, जैसे हमारे कनाडा में तो इतनी टेंशन होती नहीं थी, 36 घंटे की ऑफ होती है 70 घंटे के बाद में, वो चाहे दिन में डाल दो चाहे रात को डाल दो। जैसे यहाँ पे जो BFM वाले ड्राइवर होते हैं उनकी जो रेस्ट ब्रेक होती है 15 दिन में, उनको 4 नाइटें ऑफ करनी पड़ती है। यहाँ चाहे 2 दिन घर रह के आओ लेकिन आपके 2 नाइटें पूरी नहीं हुई तो आप लिजिबल नहीं हो दोबारा शिफ्ट चालू करने के। ये बड़ी सख्ताई वाली बात है और मेरे को बड़ी लगी। तो 24 घंटे की ब्रेक है, उसमें एक नाइट एक दिन होना चाहिए। एक ऐसी कंपनी है पूरे ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने परमिशन ली हुई है 16 घंटे एक दिन में उसका ड्राइवर जो है चल सकता है, वो बड़ी खतरनाक परमिशन होती है, वो इतनी जल्दी किसी को देते नहीं। यहाँ पे ना एक फटीक कैमरे लगे हुए हैं, फटीक कैमरे, मैं एडिलेड में बैठा हूँ ना, एडिलेड से जैसे ही आप निकलोगे या एडिलेड में एक कैमरा लगा हुआ है, उसने आपके आपके ट्रक को नंबर प्लेट को कैच कर लेना है। फिर ये ट्रक सिडनी या मेलबोर्न कब पहुंचता है वो वहां पे कैमरा लगा हुआ है, दोनों का सिस्टम सेम है, उसने भी कैच किया हुआ है आपका टाइम, वो आगे वाले कैमरे ने भी आपका टाइम कैच कर लिया। ये लोग कभी भी आपको बोल देंगे कि हाँ ये वाले ट्रक की डिटेल भेजो, क्योंकि उनके पास में डाटा चला गया कि यहां से यहां तक जाने के लिए इतने घंटे लगते हैं। जैसे अगर आपने एडिलेड से सिडनी जाना है तो कैलगरी वाला हिसाब है कि विनीपेग से कैलगरी जाते तो आपकी एक लॉग बुक नहीं पहुंचती, यहां से सिडनी जाना है तो आपकी एक लॉग बुक नहीं पहुंचती, एक घंटा पीछे रह जाती है। उनको मालूम होता है कि ऐसी जगह में घोटाला होने का चक्कर ज्यादा रहता है, एक कैमरा यहां पे लगा हुआ है एक कैमरा सिडनी में लगा हुआ है, तो दोनों का टाइम नोट है। अगर एक ही ड्राइवर एडिलेड से ट्रक लेके सिडनी जाता है तो एक ड्राइवर एक लॉग बुक में सिडनी नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर वही ड्राइवर कोई घपला करके वहां पे अंदर वो कैमरे के नीचे से निकल गया तो उन्होंने मालूम कर लेना कि ये ट्रक की डिटेल भेजो। फिर जब कंपनी वाले डिटेल भेजेंगे कि हमारा ये ड्राइवर ले गया, तो उनको मालूम पड़ जाना कि ये एडिलेड से इस टाइम पे निकला था, इसकी लॉग बुक यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये बंदा सिडनी कैसे घुस गया, ऐसे रिकॉर्ड रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे टीमें भी चलती हैं, यहाँ वहां पे हम उसको को ड्राइवर बोलते हैं, टीम बोलते हैं, यहाँ पे ये लोग बोल देते हैं कि 2 अप कि 2 बंदे ट्रक के ऊपर हैं। ये जो पसीना आ रहा है ना भाई, गर्मी का नहीं है, ये लॉग बुक की टेंशन का है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रक चलाना शुरू करना तो मेरे ख्याल में मेरे को 2-4 महीने तो इसी गेम में लगने की लॉग बुक को भरना कैसे। कनाडा में तो मैंने सुना है, यहाँ तक मेरे को मालूम है कि ऑडिट आती है 2-4 साल में, जब भी ऑडिट आ गई तो उनको हिसाब किताब देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हर हफ्ते हर वीक हर महीने ऑडिट आती रहती है। यहाँ पे हर सैलरी सिस्टम भी वीकली है, हर एक वीक के बाद जितना आपने काम किया आपको पैसे आ जाते हैं। ओह, पैसों की बात आ गई भाई, ये कितनी लंबी है यार, ये ऑस्ट्रेलियन डॉली है। अपना कन्वर्टर तो आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन कन्वर्टर एग्जैक्टली जो होता है यहाँ पे, और वो वहाँ से शुरू होगा कितना लंबा होता है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेलर की हुक होगी पीछे
और वो वहाँ उसके टायर हैं, ये अपने जैसा ही है, जैसे दो जोड़ी टायर है टेंडम। इतना गैप रहता होगा दोनों ट्रेलरों के बीच में, जैसे ट्रेलर की टेल के और वहाँ पे पीछे वाला ट्रेलर वहाँ पे आएगा, इतना गैप है। जिस पिकअप ट्रक में हम सुबह निकले थे ना, इसको भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यूट बोलते हैं, यूट। तीन चार दिन से पाजी यूट ही बोलते रहे, मैं सोचा यूंट बोल रहे हैं यूंट। मैंने कहते यूंट बोला नहीं, कहते यूंट नहीं यूट है। अभी निकले एडिलेड से और जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। यहाँ पूरे ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड से वेस्ट की तरफ निकलना है ना, तो सिर्फ दो ही शहर बड़े हैं, डार्विन और पर्थ। और हम जा रहे हैं अभी 300 किलोमीटर पोर्ट कस्टा की जगह पड़ती है, जहाँ पे ना पीछे से लोग रो ट्रेन लेके आते हैं। मीन्स की रो ट्रेन तो दो ट्रेलर वाले भी बोलते हैं, लेकिन दो से जब तीन डालते हैं चार डालते हैं तो वो पोर्ट कस्टा तक ही आती है। उसके आगे लेके आना तो उसको दो करना पड़ेगा, एक ट्रेलर वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। तो देख लो भाई, जो कीड़े होते हैं ना वो ऐसे मरते हैं कि 300 किलोमीटर कार लेके जाएंगे सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ पे सिस्टम क्या है। और पाजी ने किसी से बात की है, वो डॉली वही होती है जो यार्ड में लगी हुई है, लंबी वाली वही होती है, लंबी वाली डॉली, वो इतनी लंबी डॉली डाल के लेके जाते हैं। दो दो चार, दो छः, दो आठ, ये मेरे को भी देख रहा है इस टाइम के ऊपर, लेकिन भाई मैं आपको लिए कुछ नहीं करने वाला। ये वाले कैमरों का एक स्पेशल फंक्शन है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड कैमरा। आप यहाँ से निकल गए, हाईवे 110 का है, ऐसे ही कैमरे थोड़ी दूर आगे जाके और लगे हुए हैं। इन दोनों ने आपका टाइमिंग चेक करनी है कि इस कैमरे से लेके उस कैमरे तक आपको कितना टाइम लगा, चाहे आप कार में हो चाहे आप ट्रक में हो। अगर आपका टाइम कम लगा हुआ है तो इन लोगों ने स्पीड निकाल लेनी कि ये 110 की बजाय 130 पे आ रहा है, उसके हिसाब से आपको टिकट है भाई। अभी बताओ पूरे कनाडा अमेरिका में किसी ने अगर ऐसे वाला सिस्टम देखा तो भाई ये एवरेज स्पीड कैमरा है, ये आपकी टाइमिंग चेक करेगा। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली है ऑस्ट्रेलिया में कि हमसे ज़्यादा सख्त हैं कानून यहाँ के, चाहे वो लॉग बुक के रिलेटेड है और चाहे वो एक्सलवेट के रिलेटेड है, चाहे वो कार में बैठे हुए चाहे वो ट्रक में बैठे हुए। आप ये आगे भाई कैमरे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैमरे सेम, जिस बंदे ने स्पीड ज़्यादा की होती है उसके लिए सजा भी है यहाँ पे, ये देखो। अगर ज़्यादा स्पीड में आए पीछे से यहाँ से गोला निकलता है भाई, उड़ा देते हैं फिर रोड के ऊपर। देखो तोप कहाँ पे फिट की हुई इन्होंने, उसका साइज देखो कितना बड़ा है, वो ब्रेड पड़ा हुआ है ना, ये ब्रेड लेने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। एक लोकल सी बेकरी है, वहाँ से खाने पीने के लिए उठाना कुछ। There you go, thank you. No, no just for my chai. Two sugars? Yeah, yes. Yeah, thank you very much. Hi. मैंने हिंदी में बोल दिया चाय। ये भाई शल का पंप है कनाडा वाला। ये सफेदे हैं भाई अपने जो पंजाब में होते हैं ना सफेदे। लेकिन यहाँ पे इनकी ना परवरिश अच्छी नहीं हो रही, नीचे से मिल नहीं रहा है इनको पानी पूरा, इसलिए थोड़े से ना बिखरे बिखरे से हैं, सूखे सूखे से। कार को भी लेके जाना पड़ेगा ऊपर। ये भाई ऑस्ट्रेलियन स्केल है, पहली बार हम स्केल के ऊपर आए तो हमारा आना तो बनता ही है। ये इनका वेट पैड हो गया, लेकिन ये बंद है पक्के तरीके से, बाहरी बोर्ड लगा हुआ था कि ये बंद है। ये इनका रूम है, यहाँ पे वेट होता है। सत श्री अकाल जी, अपनी हाजिरी लगा के जा रहे हैं भाई, ट्रकों वाले हैं ना। ये पक्की बंद है, अच्छा कभी कभी ओपन भी करता है वो आगे। ये देखो इसके पीछे भी रोड ट्रेन लिखा हुआ है, लेकिन ये है फुट ओ तेरी, ओ तेरी ये आई ब्रा 43 फीट 22 22, और डॉग ही है इसमें सबके। और इसको बोलते हैं बी ट्रिपल, जैसे दो छोटे एक बड़ा, ये बी ट्रिपल हो गया। और एक चीज भाई ने बड़ी बढ़िया बताई कि 92 टन तक वजन होता है भाई, ऐसे अपने 63 है ना, 63,500 के ऊपर हम ग्रॉस लेके चल ही नहीं सकते कनाडा में। और ये यहाँ पे 90 टन बी ट्रिपल में डाले थे ना, बी ट्रिपल में। और अगर तीन चार ट्रेलर हैं रोड ट्रेन वाले तो वो तो 130 टन तक भी लेके जाते हैं भाई यहाँ पे। इसीलिए इनके यहाँ पे मोटरें जो हैं वो 700 हॉर्स पावर भी हैं, हैरान करने वाली बातें ही हैं। ट्रकिंग टोटली मीन्स की पावरफुल है यहाँ पे, हमसे भी ज़्यादा। टायरों की गिनती की है आपने? कितने? मैंने वीडियो पता क्यों बनाई है, मैंने इसको गिनना है घर जाके कि कितने टायर लेके घूम रहा है ये वाला बंदा। लेंथ इतनी लंबी नहीं है, लेकिन छोटे 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 डाल के वजन बहुत ज़्यादा है उसके पास में। ये चीज़ें देखने के लिए आए, पोर्ट कस्ता टाउन था पीछे, दो रोड सेपरेट हो जाते हैं, एक जाता है पर्थ को
एक जाता है डार्विन को, हम डार्विन वाले रोड के ऊपर है और ऐसा रोड है मतलब की ना शोल्डर है ना कुछ है, बस ये दो ट्रैक ही है ऐसे। हिसाब लगाओ ये 1, 2, 3, 4 और वो ट्रक है भाई, इसके बीच में एक ही डॉली कन्वर्टर है, ये बी डबल हो गया, ये बी डबल हो गया, इसको क्वाड बोलते हैं। और इसके टायरों की गिनती कर लो भाई, मैं कहना भी इश्की आ रहा है बस देख देख के। ये तो सिर्फ सैंपल है, जिसको हम मिलने के लिए आए वो अभी आ रहा है भाई वो तो अभी पीछे है, 10-15 मिनट के बाद में आएगा वो। जैसे अपने कार लॉक होते हैं ना कार लॉक, यहाँ पे एक IOR का नाम का एक ब्रांड है, ये उसका पंप है, अपना कार्ड मारो और तेल डलवाओ जाओ। एक हो गया, कन्वर्टर हो गया, कन्वर्टर की चढ़ाई देखो भाई, और ये दूसरा, ये अपने जैसी सेम हो गई, और ये दूसरा कन्वर्टर और तीसरा ट्रेलर, और ट्रक देखो भाई साहब का कैनवर्थ का। जब से ऑस्ट्रेलिया आए हुए ना भाई, इसको दबा के रखा हुआ था, ये देखो हवा बहुत तेज है, लेकिन ट्राई करेंगे बात बनी तो। आज बड़े दिनों के बाद में, बड़ी मेहनत के बाद में भाई ये चीज देखने के लिए मिली है। ये पहली बार ऐसा ट्रेलर है जो हमारी रेंज में नहीं आता कनाडा में। ये देखो पहले कैनवर्स का लॉन्ग नोज हो गया, फिर पहले जाएगा ए, फिर कन्वर्टर की डॉली है, और उसके बाद में देखो बी निकला। इसको जगह कितनी चाहिए देखो राइट मारने के लिए। वो आगे वाला टायर देखो इसका, ओ ये तीनों ट्रेलर जो है ना 43 43 43 हिसाब लगाओ, और कन्वर्टरों के बीच में जगह देखो 10-10 फुट जगह है भाई, 10-10 फुट। और ये यही हिसाब किताब है भाई इसका देखो। इसको बोलते हैं भाई ऑस्ट्रेलियन रोड ट्रेन। पोर्ट कस्सा से डार्विन वाले रोड के ऊपर जाते हैं, ना तो ये पर्थ जाते हैं ना ये एडिलेड के अंदर चलते हैं। आज असली काम हुआ है भाई, आज जिंदगी सफल होगी ऑस्ट्रेलिया आने वाली। ये तो हमने चोरी चोरी किसी और बंदे की वीडियो बनाई है हमारा बंदा तो आ रहा है, उसके भी सेम ट्रक होगा, सेम ट्रेलर होगा भाई। बड़ी मुश्किल से वो वाला टाइम आया जब ना इस बंदे को लेके आए, ये ड्राइवर है इन तीन ट्रेलरों का, और इसको 3 दिन से बल्कि सेटलमेंट करके फिर इसको हमने बुलाया कि भाई एक बार इंटरव्यू दे दे यार। ऐसे बंदे जो होते ना अपने होते, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट यू You guys hauling 3-1. Only these guys in the world who are hauling the 3-1 because only Australia can haul this. So how much horsepower on this truck? I think it's from Darwin to here. Yeah, so south of Port Augusta only allowed to sit on 90. Okay. North of Port Augusta allowed to sit on 100. And how much length of this? 53.5. 53.5 meter? Yeah. Okay, so you can go beyond this? That's legal limit. That's the last one, yeah. 53.5. Yeah. And how much weight you are hauling in this one? Moment 120 ton. 120 ton? Yeah, and it just varies what you got on. So we got vegetables and mangoes in, on Canada it, we can only haul 63.5. That's it. That's the last one. Yeah, we get that we get that in 2 trailers. The dolly is in Canada is small one. The frame is very small. Like it start from here and it's up to here only in Canada. Yeah. But it's too long, yeah. We do have long dollies. Yeah, it just depends on the mate. These tow better. मैं आपको दिखाता हूँ कि dolly hook कहाँ करते हैं। ये वाली जो dolly है ना, वो देखो उसके अंदर गई हुई है, और इसकी जो ये वाला puller होता है, इसको घुमा के ऊपर करते हैं, वो नीचे से छोड़ देती है। तो Canada में तो आपने देखा ही है। There is totally different system in Canada to hook dolly. So there is like this. And this hook will go like this. Yeah. How long you are doing this? I've been around trucks since I was 6 months old, but 15, 16 years. Okay. So if you want to say us like how much you make on it, that's a rough idea. Like how company pays you in miles? We get paid in kilometers over here. It's all 5 kilometers. So you are getting in kilometers? Yeah.
So all so, Australia getting in kilometers? Yeah, yeah. Australia is kilometers, we're not miles anymore. We are getting in miles in Canada. Yeah, because you all go by miles over there. We go by kilometers. I let them know, like, bhai, yahan pe kilometers mein pay ho rahe hain, aapne suna hai? Humko miles mein mil rahe hain wahan pe. How much they pay you for 1 kilometer? Rough idea? For these three things. We're on trip rate, so we get the same every week type thing, so it varies where we go to, cents a K. 57? Yeah, probably about that, yeah. We get in miles in 57 in Canada sometimes. Yes, yeah. So you are getting in kilometers, we are getting in mile 0.57. I think kilometers less than a mile too. Why you have to listen to 0.57? So means ki aap hisab laga lo, so how much kilometers from here to Darwin? It's about a 6,500 round trip. 6,500? Yeah, about that, yeah. How many days you need to done it? Well, we're two up, so we left. So two, you are in two team. Drivers, so we left Tuesday afternoon and back tonight. Tuesday jaate hain bhai, Friday ko aate hain wapas finish karke, ye do bande chalate hain team mein isko. Bhai mera to dimag gal gaya bhai. Canada mein salary jo hai na, wo miles mein milti hai, America mein miles mein milti hai, aur ye log salary kilometers mein reh rahe hain yaar. Aur मेरे को तो बात ही नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में अगर आप सिटी में आवर्स के ऊपर काम करते हैं तो आपकी सैलरी होगी $28, $30, $32। आ जाते हो मेलबोर्न, मेलबोर्न एक बड़ा शहर है, तो मेलबोर्न में अगर आप सिटी में काम करते हैं तो आवरली आपको $35 से लेके $40 तक नॉर्मली पे हो जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में कैसा काम कर रहे हो। जब आप काम कर रहे हो ऑस्ट्रेलियन बीएन नंबर पर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर पर, तो थोड़े पैसे ज़्यादा पे होते हैं, लेकिन जब आप काम करते हो टीएफ पर तो फिर आपको पैसे कम मिलते हैं। मीन्स कि अगर आप पे रोल पर काम कर रहे हो पैसे कम, बिजनेस नंबर पर काम कर रहे हो पैसे ज़्यादा। And there is a sign of the road train back end. Yeah, it's just... So how much you can take on this one, like 22 and a half? Yeah, yeah. And there is any limit, like you can haul the first one is heavy, second one is lighter, and third one is lighter? Yeah, so the first one we have to have the drive a bit lighter because of our truck. Yeah. And then just the back two the same and way. So yeah, you could have your road train signs out. And so ये sign हो गए भाई, road train के sign लगे हुए पीछे भी और truck के आगे भी लगे हुए हैं, वो आपने देख ही लिए। What is the risky point Darwin to here? Like what is the risk? It's not really that much of a risk. Very good. Been doing a while, but here just don't swerve for anything because you can roll the back trailer pretty easy or the middle one. Extra license for it, like extra permission for it? You can driving the 3-1. Or just a normal one? You need an MC license, so multiple combinations. What is this? Multi-combination. Multi-combination. We give them the company there. No. Who gives it here? Government. Government gives it. Government gives it. Here, the license of Pike, I will say it. The government gives it. You can haul the fourth one in back of this? No, on this way? No. Maximum 53.5. उसमें कितने भी ट्रेलर हो जाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जाना उससे बाहर नहीं जाना है इन्होंने। कि आप खुद हिसाब लगा लो यार, बाद में मेरे को मत पूछना है सैलरी कितनी है, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। 0.57 इसको मिल रहे हैं, तीन ट्रेलर लेके जाएंगे, लेकिन वो मिल किलोमीटर्स में रहे हैं भाई। तो ये यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं होती, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, जस्ट गो स्ट्रेट एंड कम बैक। बल्कि रास्ते साफ होते हैं, ट्रैफिक है नहीं रास्ते में। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू गाइज बिकॉज आई रेडी लव ट्रैकिंग एंड यू गाइज आर प्रो लेवल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम एक्चुअली। हे मैन, हाउ आर यू? ये भाई दूसरा बंदा है इसका, टीम वाला। ये दोनों बंदे, सो ही इज द पार्टनर ऑफ हिम। $63.5 in Canada. That's the maximum weight in Canada. We are hauling these two, and the length of the one trailer is 53 feet. Together 140 feet, yeah. And we can only haul 63.5 ton in Canada. That's the last. 90 ton? Yeah, दो ट्रेलर के ऊपर 90 टन होता है भाई इनका, इसके ऊपर तो ये 130 टन लेके घूम रहे हैं। वो मसला नहीं है कि इन्होंने आगे वाला पता क्यों हैवी रखा है, कि हमारा वेट राइटर के ऊपर ज़्यादा हो जाए, पीछे वाले हल्के हैं, बारे इनको कोई मतलब ही नहीं। कोई
चक्कर ही नहीं कोई, कोई नहीं पूछता इनको। थैंक यू वेरी मच गाइस। ये लो भाई अन्नू कौन लगा ट्राला, इनको बेलो किसी दस्ताने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, हाथ गंदे हो रहे हैं। वहाँ दस्ताने उसके पास हैं, ये तो लग ही नहीं रहे किसी तरफ से भी ये किसी टेंशन में हैं। तीन ट्रेलर लेके आए, इनके कपड़े कुपड़े तो साफ ही पड़े हुए हैं। ओके ट्राली अनोक हो गई भाई, ये दो के दो ऐसे ही छोड़ दिए इन्होंने लैंडिंग गियर नीचे लगा के। और यू अनोक दैट वन, ये भाई कन्वर्टर इनका अनोक करने का तरीका। ये देखो ये उठाया ऊपर, उसने वो वाल ऊपर उठाया वो देखो, और पिन फिर नीचे आ गई। हमारा थोड़ा सा टफ होता है, देर वॉज टफ इन कैनेडा। वो लैंडिंग देर देखो उसने, बस वो नीचे फेंके, कोई टेंशन नहीं ली। सैलरी की यार मेरे ना और भी भाई लोग रहते हैं, तो हर एक जगह की डिफरेंट डिफरेंट सैलरी होती है। हम जैसे हम कनाडा में काम करते हैं, तो कनाडा में सैलरी होती है कोई एम्प्लॉयर कितने पे कर रहा है, किसी कंपनी का कोई रेट है, किसी जगह का कोई रेट है, किसी रन का कोई रेट होता है कि आप जा कहाँ पे रहे हो। तो इतना मेरे को मालूम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक रेट फिक्स किया होता है, जैसे 52 सेंट होता है कि हाँ उतना। अगर आप फुल टाइम परमानेंट किसी के पास में काम कर रहे हो ना, तो आपको 52 परमानेंट मिलेंगे। तो बल्कि हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है यार, 50 सेंट से लेके 55 सेंट तक उस ट्रेलर की सैलरी होती है, जो आपने सुबह देखा बी डबल बोलते हैं उसको, वो स्टैंडर्ड सा ट्रेलर होता है जैसे हमारे वहाँ सिंगल होता है। तो उसके हिसाब से आप कितने किलोमीटर निकालोगे। यहाँ पे किलोमीटर वाला मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा भाई, मेरा दिमाग जब किलोमीटर सुनता है ना मेरा दिमाग पागल हो जाता है। मेरे को कहीं कुछ होना जाए किलोमीटर सुन सुन के। मैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को पास एक बैग है, एक मैंने और मंगवा लेना, डेरा यहीं पे लगा लेना भाई। किलोमीटर में मिल रहे हैं क्यों, महीनों में काम करना जाके। मजाक मजाक रह गया, हर एक जगह के अपने अपने फंडे होते हैं। जैसे ये बंदा बोल रहा है 57 सेंट, लेकिन मेरा एक भाई काम करता है वो डार्विन वाली साइड में, तो मैंने जब उसको मैसेज में पूछा तो वो बोलता कि हमारे 60 सेंट है। बल्कि ये अलग अलग होता है, कंपनी कंपनी का हिसाब है, कोई कंपनी कितने पे कर रही है, कोई कंपनी कितने पे कर रही है। तो अप डाउन हो जाता है 6500 अकेला बंदा जाएगा। अगर अकेला बंदा जाता है तो 6500 किलोमीटर निकालने के लिए एक वीक लग जाएगा, अगर कोई नेचुरल प्रॉब्लम बीच में नहीं पड़ती तो। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, सिस्टम नहीं है भी, हाँ अभी बहुत ज़्यादा पहाड़ पड़ने वाले हैं, आगे स्नो स्टॉर्म आएगा, ऐसा कोई फंडा है नहीं यहाँ पे। और बीच बीच में कर्बें आती हैं, कर्बों के ऊपर थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी टर्ने तो आपने देख ही ली हैं, क्योंकि जहाँ से दो घूमते हैं ना वहाँ से तीन घूम जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा एंगल नहीं इसको चाहिए होता। वो जो जब शार्प टर्न लेनी होती तभी प्रॉब्लम होती है। किलोमीटर भाई अभी तक तो आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, अगर नहीं लाइक की है तो फिर तो यार फायदा नहीं है, लाइक करो। और कुछ बंदे ऐसे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी वापस जा रहे हैं पोर्ट अगस्ता से, फिर 2-2.5-3 घंटे वापस, और पाजी का भी कीमती टाइम निकाल के आए। और मैंने तो कीमती निकाला, मैं तो दूसरी दुनिया से आया हूँ भाई। दुनिया के वेस्ट पार्ट से आया हूँ स्पेशल। रोड ट्रेन देने दिल बड़ा खुश हुआ ड्रोन शॉट देख के भाई। यहाँ से अगर आपने एडिलेड की तरफ जाना है 36.5 मीटर। और एक चीज आपको और बता देता हूँ कि भाई किसी भी शहर में तीन ट्रेलर ऐसे इतनी लंबी लेंथ लेके घुस नहीं सकते। डार्विन जाते वास्ते अंदर जाते, हाँ डार्विन चलते। अच्छा डार्विन महंगा ही है भाई, $27 के दो बर्गर लिए हमने, लार्ज मैक्सिकन और एक मीडियम लिया है, तो मतलब दो बर्गर $27। कहीं कहीं चीजों के ऊपर ना ऐसा लगता है जैसे कनाडा से ज्यादा महंगा ही है यहाँ पे। शीशे के ऊपर मच्छर देके कुछ याद आया, आती ना याद विनी पैक की। वो बात हमारी बीच में रह गई थी भाई, तीन डाल के सिर्फ एक ही सिटी है डार्विन, वहाँ उसके अंदर आप जा सकते हो पास तक, लेकिन बाकी किसी सिटी के 300 किलोमीटर के चक्कर में आप जा ही नहीं सकते तीन ट्रेलर लेके। आपने छोटे छोटे 5 डाले हुए, आपने छोटे छोटे 6 ट्रेलर डाले हुए, मतलब नहीं है। लेंथ जो है 53.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बीच आप कितने मर्जी रोड ट्रेन बना लो नहीं छोटे छोटे डाल के। ये लो भाई यहाँ पे भी लाइटें लगा दी गई है किसी को, और भाई साहब ने सबको डरा दिया लाइटें लगा के। ये हमारे पीछे आ रहा था, पहले आ रहा था आराम से, इसने लाइटें लगा दी, हमको टेंशन बढ़ गई, हमने क्या कर दिया, फिर हमको ओवरटेक करके फिर इसको लाइटें लगा के इसको रोका है। वापस आ गए भाई, जब पुलिस वाले की गाड़ी देखी ना हमने नहीं कहीं कार रोकी, सीधा घर आए पुलिस वाले की गाड़ी देख के, और आगे खाना खा के मजे से सुबह में बैठे हुए, यही सेफ्ट करना है भाई। मोबाइल में लगा हुआ है, इसने नहीं देखना किसी की तरफ, बस मोबाइल देखता चल रहा है। ड्राइवर इधर हेलो कर देगा, देखा स्टाइल देखा इसका। जब तक ये व्लॉग आएगा ना तब तक हम मेलबर्न में पहुंच चुके होंगे भाई। तो आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो फिर आपका कोई कसूर नहीं है और मेरा भी कोई कसूर नहीं है। हमने इंस्टाग्राम पे ऊपर पूरी डिटेल दे दी थी कि कहाँ पे रुके हुए हैं, कैसा माहौल है। तो अभी आप लोग खुद सोच लो, अभी हम जा रहे हैं सोने, हमने सुबह निकलना, टाइम देखो कितना हो गया, 10:40 हो गए ऑलरेडी।
और हमको निकलना है सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे निकलना, और हमारी हालात देख लो। लेकिन आज मेरे को नींद बड़ी अच्छी आएगी, जो भाई ने अपना आज काम करवाया ना भाई, आज अपने को पूरी मल की खराटे बड़ी नींद आएगी। आज मैंने ट्रेन देख ली पूरी ट्रेन वाला माहौल देखा पूरा। वैसे नींद तो रोज ही बढ़िया आ रही है, लेकिन आज ज्यादा आएगी जिन ही निकल दिया जिन निकलू जिन आप अभी तक जहाँ ही हो भाई, जाओ सो जाओ, इतनी वीडियो थी, मैं भी सोने वाला हूँ। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मेरे को बहुत नींद आ रही है, हमने कल सुबह निकला है मेलबोर्न के लिए 6 बजे। मिलते हैं कल एक और नया एपिसोड में, टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा, रब रखा। When I know I'll know, hand in hand like left, right, left, right, oh.